नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत एक बार फिर दोस्तों आप सबकी सेवा में हाजिर हूं। दोस्तों इस बार आप सबके लिए इंग्लिश का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है, आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। आपको ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जो प्रयास के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और कुछ ग्रामर्स के पोर्शन भी इसमें मैं क्लियर कर दूंगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इमेजिनरी पावर विच हैज सेटल्ड एवरीथिंग दैट इज टू हैपन। ऑप्शन ए डब, ऑप्शन बी मिरेकल, ऑप्शन सी फेथ, ऑप्शन डी थ्रिल। अभी आपके चार ऑप्शन हो गए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब कैसे होगा आंसर वो भी आप देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इमेजिनरी पावर विच हैज सेटल्ड एवरीथिंग दैट इज टू हैपन। ओके, अब क्वेश्चन का हिंदी अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको, वह काल्पनीय ताकत जो हर होने वाली चीज को ठीक कर देती है। तो इसके ऑप्शन है डब। डब का मतलब वही है कि किसी अन्य भाषा में जो अपन डबलिंग करते हैं ना, जैसे तेलुगु में मूवी बन गई इसको हिंदी में डबलिंग कर रहे हैं, वही डब है वो। फिर आपका मिरेकल, इसका मतलब होता है चमत्कार। ऑप्शन सी आपका फेथ, विश्वास। ऑप्शन डी थ्रिल, थ्रिल का मतलब होता है कांपना। तो इसका राइट आंसर आपका फेथ, विश्वास, अर्थात वह काल्पनीय ताकत जो हर होने वाली चीज को ठीक कर देती है, वो है विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू, अ कलरफुल प्रिंटेड मटेरियल कंटेनिंग पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ऑप्शन ए ब्रोशर, ऑप्शन बी डॉर्मेट्री, ऑप्शन सी टेम्पटिंग, ऑप्शन डी मोटो। तो क्वेश्चन बोल क्या आ रहा है ये आप देख लीजिएगा, अ कलरफुल प्रिंटेड मटेरियल कंटेनिंग पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, अर्थात एक रंगीन चित्रित वस्तु जिसमें किसी चीज के चित्र और सूचना का व्याख्या रहता है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रोशर। बाकी ऑप्शन का भी मैं आपको हिंदी मीनिंग बता दूं, डॉर्मेट्री का मतलब होता है शयन गृह। फिर ऑप्शन सी आपका टेम्पटिंग, इसका मतलब होता है चाहना। ऑप्शन डी है मोटो, मोटो का मतलब आदर्श वाक्य। ओके, तो ये दो क्वेश्चन इजली थे, इसके बाद और पोर्शन देखते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। जब मैंने इंग्लिश का सिलेबस बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, और ये जो क्वेश्चन है वो 2019 प्रयास के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसमें आपको गारंटी की करेक्ट स्पेलिंग देखनी है आपको, तो आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स क्राउडेड। ऑप्शन ए बिजी, ऑप्शन बी कंजेस्टेड, ऑप्शन सी क्वाइट, ऑप्शन डी डिजर्टेड। तो क्राउडेड का मतलब होता क्या है ये पहले अपन समझ लें। क्राउडेड का मतलब होता है भीड़, सघन जो आबादी होती है उसको बोलते हैं क्राउडेड, बहुत क्राउड है। जैसे अपन क्रिकेट देखने गए हैं और वहां क्राउड रहता है लोगों का, तो उसको बोलते हैं बहुत भीड़ है। अच्छा, क्राउडेड का अपने को अपोजिट बताना है, उल्टा बताना है, विलोम बताना है।
तो ऑप्शन को चेक कर लीजिए आप. ऑप्शन ए बिजी, बिजी का मतलब तो व्यस्त होता है. ऑप्शन बी फिर कंजेस्टेड, इसका मतलब भरा हुआ, तो वो तो सेम हो गया, भीड़ भाड़ और भरा हुआ एक ही चीज हो गया. ऑप्शन सी क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत रहिए. तो ऑप्शन डी देखेंगे अपन, अभी कई ऑप्शन तो बचे अपन, वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजर्टेड, इसका मतलब होता है सुनसान या वीराना. तो भीड़ भाड़ का जस्ट अपोजिट हो जाएगा सुनसान. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन 2019 प्रयास में पूछा गया है. क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है आपका. ऑप्शन ए बॉय, ऑप्शन बी गर्ल, ऑप्शन सी पर्सन, ऑप्शन डी वुमेन. अब ये मैं ऑप्शन को क्लियर करता हूं आपको, ठीक है. देखिए क्वेश्चन है ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट. अभी जब ही स्ट्रॉन्ग बस हमको पूछा जाता तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, तो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है और वुमेन भी ताकतवर हो सकती है. लेकिन हमको पूछा क्या है स्मार्ट, तो स्मार्ट बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, लेकिन हम वुमेन को तो स्मार्ट नहीं बोलेंगे. अच्छा पर्सन की बात करें तो पर्सन का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ. उभयनिष्ठ मतलब इसमें स्त्रीलिंग और पुरलिंग दोनों आएंगे. ओके तो देखिए क्लियर करते जाता हूं मैं धीरे धीरे. क्वेश्चन आपका हो रहा है स्टार्ट ही से, तो ही का मतलब होता है वह, और ये आएगा आपका पुरलिंग के लिए अर्थात लड़कों के लिए, आदमी के लिए. तो ये आपका गर्ल है, ये तो आपका आंसर होगा नहीं. फिर वुमेन है, औरत है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि बात तो यहां पुरलिंग के लिए हो रही है. अब बचा पुरलिंग के लिए सिर्फ आपके पास दो, बॉय और पर्सन. तो पर्सन में दोनों आते हैं, स्त्रीलिंग भी आएगा और पुरलिंग भी आएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता. तो बचा क्या आपका लास्ट में, बॉय. तो बॉय इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकदम क्लियरली बता दिया हूं. अच्छा गर्ल के बारे में हम जब भी बात करते हैं, गर्ल या वुमेन के बारे में, तो हम लोग हमेशा उनके लिए एक जबरदस्त वर्ड के यूज करते हैं, वो है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, क्यूट गर्ल, ऐसा. तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे उसको. बाय द वे यहां सी होता तो आपका आंसर हो जाता गर्ल, ये क्लियर कर लेंगे आप. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. क्वेश्चन है आपका ही खालिस्तान फुटबॉल एवरी डे, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपका क्वेश्चन है. ऑप्शन है इसके प्ले, ऑप्शन बी प्लेड, ऑप्शन सी प्लेइंग, ऑप्शन डी प्लेस. अब क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ही खालिस्तान फुटबॉल एवरी डे, वह प्रतिदिन फुटबॉल. अब वो क्या करते हैं ऑप्शन में देखिए, प्ले का मतलब क्या होगा, खेलना, प्लेड का मतलब खेलता था, प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब खेल रहा है, और प्लेस, प्लेस का मतलब होता है खेलता. तो वह प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, पी एल ए वाई एस, प्लेस, प्लेस का मतलब खेलता. अच्छा एक चीज और देखेंगे इसमें, क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है ही से, ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, ये क्या आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें क्या यूज होता है आप जानते होंगे, ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर नंबर, इन सभी के साथ, सिंगुलर नंबर इन सभी के साथ क्या होता है, जो वर्ब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा दिया जाता है. तो प्ले में एस लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेस. तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से समझ लेंगे कि ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या
ईएस लगा देंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द सोल्जर आर नॉट फिल इन द ब्लैंक्स, दे आर ब्रेव, फिल अपोजिट मीनिंग वर्ड। तो ब्रेव का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। ब्रेव का मतलब क्या होता है? साहसी, बहादुर। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका? कवर्ड। ऑप्शन नंबर बी कवर्ड। ऑप्शन नंबर सी कवर। ऑप्शन नंबर डी कॉन्वे। तो सबका मीनिंग आप देखते जाइए फटाफट क्या होगा। कवर्ड का मतलब होता है डरपोक, कवर्ड का मतलब होता है ढका हुआ, कवर का मतलब ढकना, और कॉन्वे का मतलब होता है ले जाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवर्ड, डरपोक, अर्थात बहादुर का जस्ट अपोजिट हो जाएगा डरपोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स टू सबमिट। अब देखिए ऑप्शन देख लेंगे इसका। ऑप्शन नंबर ए हैव मैक्ड, ऑप्शन बी आर आस्क्ड, ऑप्शन सी हैज आस्क्ड, ऑप्शन डी आर आस्किंग। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, द स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स टू सबमिट। तो विद्यार्थियों को जमा करने के लिए, अब इसके ऑप्शन को चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए है आपका हैव मैक्ड, इसका मतलब बनाने को। ऑप्शन बी है आपका आर आस्क्ड, को बोला गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को जमा करने के लिए बोला गया। ऑप्शन सी अगर चेक करें हम तो हैज आस्क्ड, इसका मतलब पूछा गया, तो जमा करने के लिए पूछा गया सर। आर आस्किंग का मतलब है आपका पूछा जा रहा है। तो ये सब करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, विद्यार्थियों को जमा करने के लिए बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आफ्टर मंथ्स ऑफ स्टडिंग हार्ड, मीता फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर्ड आईएएस एग्जामिनेशन। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इनिशियली, ऑप्शन नंबर बी कंसिक्वेंसली, ऑप्शन नंबर सी देयरफॉर, ऑप्शन नंबर डी फाइनली। तो क्वेश्चन बोल के आ रहा है, ये पहले समझ ले हम। क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर मंथ्स ऑफ स्टडिंग हार्ड, अर्थात कई महीनों के कठिन अध्ययन के बाद मीता क्लियर्ड आईएएस एग्जामिनेशन, मीता ने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब इसके ऑप्शन को आप देखते जाइए। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहे हैं ये देख लीजिए आप। इनिशियली का मतलब क्या होगा? शुरुआती। ऑप्शन बी आपका कंसिक्वेंटली, इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप। ऑप्शन सी देयरफॉर, इसका मतलब होता है इसलिए। ऑप्शन डी आपका है फाइनली, अर्थात अंततः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कई महीनों के कठिन अध्ययन के बाद मीता ने परिणाम स्वरूप, देखिए थोड़ा सेंटेंस ऐसा रहेगा इसका, कई महीनों के कठिन अध्ययन के बाद मीता ने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इसका राइट आंसर आपका परिणाम स्वरूप, अर्थात कंसीक्वेंटली। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, दीप्ति शाह, द ओल्ड वुमेन सी वॉज क्रॉसिंग द रोड। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। दीप्ति शाह, द ओल्ड वुमेन फिल इन द ब्लैंक्स, सी वॉज क्रॉसिंग द रोड, अर्थात दीप्ति ने एक बुढ़िया को देखा, फिर खाली स्थान,
वह रोड पार कर रही थी। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए वेयर, वेयर का मतलब होता है कहां, ऑप्शन बी हुम, हुम का मतलब हो जाता है आपका किसे और किससे, जो भी होता है उसका मीनिंग, हु का मतलब होता है कौन, और लास्ट ऑप्शन है आपका वेन, वेन का मतलब जब या कब। तो कैसा हो जाएगा सेंटेंस, दीप्ति ने एक बुढ़िया को देखा जब वह रोड पार कर रही थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये रहे आपके इंग्लिश के 10 क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की अधिकतम संभावनाएं हैं। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको वे आप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों भूलिए नहीं कभी। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करें दोस्तों। आप सबके लिए मैं जुटा हुआ हूं, आप सब वीडियो को देखते रहें, तैयारी करते रहें, प्रयास में आपका सिलेक्शन इस बार निश्चित होना ही है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।